आज मैं आपको लूर्द की माता मरियम के पर्व के विषय में बताऊंगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 11 फरवरी को संपूर्ण कलीसिया लूर्द की माता मरियम का पर्व मनाती है। फ्रांस देश में लूर्द के मासाबिल पहाड़ियों की एक गुफा में कुंवारी मां मरिया ने बर्नदित को 11 फरवरी 1858 में दिव्य दर्शन दिए थे। तब संत बर्नदित की उम्र 14 वर्ष थी। बर्नदित के वर्णन अनुसार एक सुंदर जवान महिला जो उनसे काफी ऊंची नहीं थी, उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके हाथों में एक लंबी रोजरी थी। उस महिला ने थोड़ा झुककर बर्नदित को नमस्कार किया और फिर बर्नदित को ऐसा लगा कि वह महिला उनसे प्रार्थना करने का आह्वान कर रही है। जब संत बर्नदित ने रोजरी माला विनती शुरू की तो उस महिला ने अपने हाथों की रोजरी की मोतियों को वह फेरने लगी। लूर्द के उस पवित्र स्थल पर जहां पर माता मरिया ने बर्नदित को दर्शन देते हुए कहा था कि पापियों के लिए प्रार्थना करो और पश्चाताप करो, 25 फरवरी 1858 की एक घटना जो संत बर्नदित हमें बताती है कि उज्जवल वस्त्र पहने हुए उस महिला ने उन्हें दिव्य दर्शन देते हुए उस गुफा की ओर जाकर गड्ढे से पानी पीकर हाथ मुंह धोने को कहा। जब बर्नदित स्वयं उस गड्ढे के पास पहुंची तो वहां मैला पानी था और धीरे धीरे उस गड्ढे को वो खोदने लगी। वह मैला पानी साफ होता गया और वहां से झरना बहने लगा। आज वह झरना काफी बड़ा हो चुका है और वहां से 32,000 गैलन लीटर पानी भरा जाता है। वह एक झरना चमत्कारिक झरना है जहां पर काफी लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। संत बर्नदित के नाम पूछे जाने पर उस महिला ने बताया कि मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं और 16 जुलाई 1858 में उस कुंवारी मां मरिया ने बर्नदित को एक संदेश दिया, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, पापियों के लिए प्रार्थना करो, जुलूस निकालो और इस पहाड़ पर एक गिरजाघर बनाओ। आज प्रतिवर्ष उस तीर्थ स्थल पर जहां पर कुंवारी मां मरिया ने दर्शन दिए थे काफी लोग तीर्थ यात्रा पे आते हैं और वहां पर आकर अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं, व्यक्तिगत आराधना करते हैं, जुलूस में जाते हैं और उस झरने पर स्नान करते हुए चंगाई प्राप्त करते हैं। पहले 100 वर्षों में 5,000 लोगों ने चंगाई प्राप्त की थी और 58 चमत्कार घोषित किए गए थे। लूर्द के इस पवित्र स्थल पर आज गिरजाघर बनाया हुआ है। बर्नदित को मां कुंवारी मरिया ने प्रथम दिव्य दर्शन 11 फरवरी 1858 में दिए थे। इसीलिए 11 फरवरी को हर साल हम लूर्द की माता मरियम का पर्व मनाते हैं। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लूर्द की माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पापियों के लिए विशेष प्रार्थना करें और हमारे जीवन में पापों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहें।